नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है, आप न्यूज फॉर ऑडिशन देख रहे हैं। राजद सुप्रीमो और बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती हो गए। आपको बता दें, बीते दिन लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट कर भारत लौटे थे और एक बार फिर से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को जो है मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। क्या है पूरी खबर, आइए आपको हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जो है एक बार फिर से मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हुए। कहा जा रहा है कि इस बार एंजियोप्लास्टिक हुई है। एक मीडिया एजेंसी के अनुसार जो है लालू प्रसाद यादव की एंजियोप्लास्टिक मुंबई में हुई है। मुंबई के डॉक्टर ने ही लालू प्रसाद यादव का ट्रीटमेंट किया है। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में सजा काटने के दौरान ही लालू यादव को हार्ट में समस्या आई थी, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट कराने की सलाह दी थी। साल 2021 में लालू प्रसाद यादव के हार्ट में समस्या आई थी, हालांकि अभी तक वह दवाई पर इसे कवर किए हुए थे। हालांकि अब लालू प्रसाद यादव ने बेहतर इलाज के लिए वह मुंबई रवाना हुए हैं और मुंबई के अस्पताल में भर्ती होकर एंजियोप्लास्टिक करवाई है। अब क्या है एंजियोप्लास्टिक? एंजियोप्लास्टिक आपके दिल तक वाली जो नस है उसे खोलती है। ये सर्जरी नहीं होती है, बस लोकल एनेस्थीसिया से होती है। इसमें दर्द नहीं होता है और आप जागते रहते हैं। एंजियोप्लास्टिक एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके दिल की नसों में जो है रुकावट होती है उसे दूर करती है, तो है आपके दिल तक जो है वो पहुंचती है। इस प्रक्रिया में आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसका मतलब कि आप पूरी प्रक्रिया के दौरान जागते रहेंगे लेकिन आपको कोई दर्द महसूस नहीं होगा। लालू यादव 10 सितंबर को मुंबई रवाना हुए थे। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने तेजस्वी यादव की आभार यात्रा को लेकर कहा था कि तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू हो गई है, अब वह पूरा बिहार भ्रमण करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इधर उधर न जाने के सवालों पर लालू यादव ने कहा कि ठीक है, नहीं जाएंगे तो बढ़िया है। हालांकि बताया जा रहा है कि बीच में किडनी ट्रांसप्लांट होने के चलते एंजियोप्लास्टिक को टाल दिया गया था। 4 दिसंबर 2022 में सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी डोनेट की थी। 76 वर्षीय बिहार के पूर्व सीएम का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सिंगापुर में किया गया था। रोहिणी आचार्य परिवार के साथ सिंगापुर में रहती हैं और लालू यादव कई सालों से दिल्ली एम्स में किडनी की बीमारी का इलाज करा रहे हैं, लेकिन वे पिछले दिनों इलाज करवाने सिंगापुर गए थे, जहां डॉक्टर ने उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट करवाने की सलाह दी थी। मगर क्रॉनिकल किडनी डिजीज के अलावा लालू यादव को कई बीमारियां जो है वो हुई थी, जिसके कारण उनकी सेहत काफ़ी ख़राब है। लालू यादव को डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की समस्या भी है। साल 2022 में जुलाई में घर पर गिरने के कारण उनकी हड्डी भी फ्रैक्चर हो गई। लालू प्रसाद यादव का सेहत जो है वो कमजोर हो रहा है। लालू प्रसाद यादव चिकित्सक से लगातार संपर्क में है और लगातार लालू प्रसाद यादव जो है डॉक्टर से मिलते रहते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि 76 वर्षीय लालू प्रसाद यादव को घर में गिरने के कारण जो है हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, उसके बाद से कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, वो लगातार बीमार रह रहे हैं। और वैसे में 2022 में जब वो सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट कर भारत लौटे यानी बिहार लौटे, उसके बाद से भी लालू प्रसाद यादव के सेहत में काफ़ी सुधार नहीं है। अब एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव को मुंबई अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, हार्ट की समस्या हो रही थी। हालांकि मुंबई के डॉक्टरों ने ही इस बार लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव की यात्रा पर उन्होंने शुभकामना दी है, वहीं नीतीश कुमार पर भी जाते जाते जो है तंज कसा है। हालांकि जल्द स्वस्थ होकर लालू प्रसाद यादव फिर बिहार आएंगे।